वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो फैक्टर्स हैं वो जो सस्पेंशन को सेटलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी बात करेंगे, है ना। मतलब कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो सस्पेंशन में सेटलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ थ्योरी दी गई हैं, है ना। तो पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, है ना। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि पार्टिकल्स का ना जो जिगजैग मूवमेंट होता है ना, तो ये जो पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट होता है ना, जो डिस्पर्जन मीडियम में होता है, पार्टिकल का जो डिस्पर्स्ड फेज होती है ना, तो आपने देखा होगा कि ये मूवमेंट करते रहते हैं पार्टिकल, तो ये स्टेबल रहता है ना, जो सस्पेंशन है वो स्टेबल रहता है और सेडिमेंटेशन नहीं हो पाता है अगर ये कंटिन्यूसली आपके ब्राउनियन मूवमेंट में होते हैं तो। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि पार्टिकल का लार्ज साइज होता है और उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, कई बार विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है, तो इन सारी वजह से ब्राउनियन मूवमेंट हो नहीं पाती है आपके जो सस्पेंशन है ना। तो कि उसकी वजह से क्या होता है कि पार्टिकल जल्दी सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और ब्राउनियन मूवमेंट के लिए जो साइज़ रेंज होनी चाहिए पार्टिकल की, वो 2 से 5 माइक्रोमीटर की होनी चाहिए, साथ में डेंसिटी भी कम होनी चाहिए पार्टिकल्स की, ठीक है। और विस्कोसिटी जो होनी चाहिए मीडियम की, वो भी फेवरेबल होनी चाहिए कि वो मूवमेंट कर सके। अगर विस्कस होगा तो मूवमेंट हो ही नहीं पाएगी, रिस्ट्रिक्ट रहेगी मूवमेंट जो पार्टिकल है उनकी, है ना, विस्कोसिटी की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट है कि अगर पार्टिकल कंटिन्यूसली जिगजैग मूवमेंट करेंगे वहाँ पर आपके डिस्पर्जन मीडियम में, तो क्या होगा, सेटलिंग नहीं होगी जल्दी, है ना। तो ये पहली थ्योरी थी जिसमें ये मूवमेंट के बारे में बताया गया था, ठीक है। फिर इसमें जो जो मेजर ब्राउनियन मूवमेंट है जिसमें जो मेजर फैक्टर है सेटलिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले, वो विस्कोसिटी और पार्टिकल साइज़ हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन है उसकी, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो जो थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन है, जो सेकंड थ्योरी है, इसमें हम स्टोक लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है पार्टिकल की, वो हम स्टोक लॉ के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो इस फॉर्मूले से हम एक्सप्रेस करते हैं, जो कि है डी स्क्वेयर, है ना, रो वन, है ना, माइनस रो टू इंटू जी अपॉन 18 ईटा, है ना। तो यहाँ पर जो डी है ये डायमीटर है पार्टिकल का, डायमीटर मतलब ये आपका स्फीयर है, तो इसका ये जो एक से लेके दूसरे तक ये जो साइज़ होता है ना, ये दो दूरी होती है, ये डायमीटर कहलाता है ना, मतलब सेंटर को जोड़ने वाली एक लाइन होती है ना किसी स्फीयर की, तो ये डायमीटर होता है। मतलब जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल का साइज़ होगा, तो उतनी ज़्यादा इसकी सेडिमेंटेशन रेट होगी, इस तरीके से, है ना। फिर रो वन जो है वो है डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, है ना, मतलब जो सॉलिड है, जो पार्टिकल डिस्पर्स्ड हैं, है ना, उनकी जो डेंसिटी है वो रो वन है, ठीक है। फिर जो रो टू है वो है डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, मतलब वो लिक्विड जिसमें कि डिस्पर्जन बना हुआ है वो मीडियम की डेंसिटी है, ठीक है। और इनकी यूनिट दी गई है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और ईटा जो है वो विस्कोसिटी है डिस्पर्जन मीडियम की, ठीक है। ये जो ईटा है 18 ईटा, यहाँ पर जो ईटा है ये है विस्कोसिटी आपके डिस्पर्जन मीडियम की, ठीक है। और ये पॉइज में हम इसकी यूनिट होती है पॉइज, ठीक है। फिर है जी, आपको पता ही होगा ये एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। और ईटा मैं बता ही चुका हूँ, दो बार हो गया, ठीक है। फिर अब मैं आपको एक एक करके फैक्टर बताऊंगा जो सेडिमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से सेटलिंग होती है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे डायमीटर यानी पार्टिकल साइज़ की, है ना। अगर पार्टिकल साइज़ को हम रिड्यूस करेंगे, है ना, इसके ओरिजिनल साइज़ के, ठीक है, तो जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो फैक्टर ऑफ 4 है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं डी स्क्वायर लिखा है ना, तो आप यदि हाफ़ कर देंगे पार्टिकल साइज़ को, तो उसकी जो सेटलिंग है, ठीक है, सेडिमेंटेशन है, वो 4 फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब जो स्मॉलर पार्टिकल साइज़ होंगे, है ना, तो उनका क्या होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, और स्मॉलर पार्टिकल का जो सेडिमेंटेशन है वो भी स्लो होगा।
फिर जो सेकंड आपका फैक्टर है वो विस्कोसिटी ऑफ मीडियम है ना। तो जैसा कि आपको मैं बता ही चुका हूँ, अगर विस्कोसिटी हायर होगी है ना, तो उसका क्या होगा कि जो सेडिमेंटेशन रेट है वो अपने आप लो हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में सेडिमेंटेशन के जो विस्कोसिटी है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो जो विस्कोसिटी है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए है ना। तो इसके कुछ जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि फिजिकल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि सेडिमेंटेशन रिटार्ड हो जाएगा है ना, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर जो हाई विस्कोसिटी है वो क्रिस्टल ग्रोथ को इनहिबिट करती है, मतलब क्रिस्टल नहीं बन पाएंगे आपके है ना, तो क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल डिमिनिश हो जाएगी, मतलब पार्टिकल की मूवमेंट को रोक देगी विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से। फिर जो थर्ड है वो क्या है कि हाई विस्कोसिटी प्रिवेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटा स्टेबल क्रिस्टल टू स्टेबल क्रिस्टल है ना। तो इस तरीके से ये जो एडवांटेजेस थे ये हाई विस्कोसिटी के एडवांटेजेस हैं कि मूवमेंट कम हो जाती है पार्टिकल की, इससे स्टेबिलिटी एनहांस होती है। फिर जो आपके डिसएडवांटेजेस हैं हाई विस्कोसिटी के वो ये हैं कि क्या होता है कि अगर पार्टिकल सेडिमेंट हो रहे हैं तो उनको रिडिस्पर्स नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, और जो हाई विस्कोसिटी है वो क्या करती है, रिटार्ड कर देती है एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, हाई विस्कोसिटी क्रिएट्स प्रॉब्लम इन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपको विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी है जो फैक्टर वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, फिर आती है बात है डेंसिटी की। डेंसिटी है ना, यहाँ पर आपने देखा था कि ये जो डेंसिटीज़ हैं है ना, ये सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी का डिफरेंस लिया हुआ है यहाँ हमने। तो जो आपका लिक्विड होता है इनका 1 ग्राम पर सीसी के आसपास जो वाटर होता है ना, उसकी डेंसिटी कुछ इतनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू के अप्रॉक्स है ना। तो जो सॉलिड होते हैं इनकी ज़्यादा होती है डेंसिटी, तो ये डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। डिफरेंस ज़्यादा होगा ना, जितना ज़्यादा ये डेंसिटीज़ में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होगी। तो हमको क्या करना पड़ता है, ये जो डेंसिटी है अपने जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये जितना ज़्यादा डिफरेंस कम होगा उतनी कम आपकी सेटलिंग होगी है ना, और जितना ज़्यादा डेंसिटी में डिफरेंस होगा है ना तो उतना ज़्यादा आपका सेटलिंग होगी। ठीक है, रेट ऑफ सेटलिंग बिकम ज़ीरो है ना व्हेन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड है ना, मतलब लगभग लगभग बराबर होनी चाहिए दोनों की डेंसिटी, जिससे कि सेटलिंग ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो मीडियम है उसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि आपकी डेंसिटी का डिफरेंस कम हो जाए। फिर हम कुछ ये जो पॉलीमर्स होते हैं इनको ऐड करके, जैसे पीवीपी हुआ, सुगर हुआ है ना, ग्लिसरीन हुआ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मीडियम है उसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेंसिटी है जो कि इन्फ्लुएंस करती है सेटलिंग को। ठीक है, तो ये जो फैक्टर थे ये सारे थे जो कि सेटलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, और दोनों थ्योरियाँ हो गई, मूवमेंट और ब्राउनियन मूवमेंट थ्योरी और थ्योरी ऑफ सेडिमेंटेशन है ना। फिर इसके बाद हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं डिफ्लॉकुलेटेड और फ्लॉकुलेटेड सिस्टम्स के, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, कि हम सस्पेंशन को फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि ये कुछ दो तीन अप्रोचेस होती हैं है ना, जिसमें हम जिससे हम फॉर्मुलेशन करते हैं सस्पेंशन का। ठीक है, तो पहली अप्रोच जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड व्हीकल लेते हैं। ठीक है, जिससे कि पार्टिकल डिफ्लॉक्युलेटेड स्टेट में रहते हैं। डिफ्लॉक्युलेटेड मतलब एक एक पार्टिकल सिंगल सिंगल अलग अलग रहता है। ठीक है, और जो सेकेंड अप्रोच है ना, इसमें क्या करते हैं, हम पार्टिकल्स को फ्लॉक्युलेटेड स्टेट में रखते हैं, मतलब एक एग्रीगेट के फॉर्म में रखते हैं पार्टिकल्स को है ना, जिससे कि क्या होती है, हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, और जो थर्ड मेथड है इसमें हम इन दोनों मेथड को एक साथ यूज़ करते हैं, मतलब फ्लॉक्युलेटेड जो पार्टिकल्स हैं उनको हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में रखते हैं ना, मतलब पॉलीमर के फॉर्म में, पॉलीमर के अंदर हम फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करा लेते हैं ना। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो थर्ड मेथड है कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का। ठीक है, तो क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि पार्टिकल्स जो होते हैं हम पहले क्या करते हैं, उनका साइज़ रिडक्शन करते हैं, ताकि जो स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे तो उनका सेडिमेंटेशन रेट कम रहेगा। ठीक है,
लेकिन क्या होता है कि जब पार्टिकल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है, पार्टिकल बहुत छोटे हो जाते हैं, तो जैसे ही हम इसमें व्हीकल ऐड करते हैं तो इनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। एयर ट्रैप होने की वजह से इनकी मिक्सिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है और ये क्या होते हैं, वेटिंग इनकी कम हो जाती है। एयर ट्रैप होने की वजह से वेटिंग या फिर ये क्या होते हैं, इनमें व्हीकल अंदर एंटर नहीं कर पाता है ना, तो ये क्या होता है कि इनके अंदर बबल ट्रैप हो जाते हैं एयर के, है ना, साइज़ रिड्यूस हो जाने की वजह से। आप पाउडर को करके देखना एक बार, उसमें वाटर डाल के देखना आप, तो क्या होगा, एक लंप टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा, वेटिंग नहीं हो पाती अगर पार्टिकल साइज़ रिड्यूस हो जाता है तो उसमें एयर ट्रैप हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स जो हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं ना, क्या करते हैं हम उसमें वेटिंग एजेंट डालते हैं सबसे पहले, है ना, और डिस्पर्जन मीडियम में उसके बाद डालते हैं, सबसे पहले हम वेटिंग एजेंट डालते हैं ताकि जो एयर ट्रैप हुई है पार्टिकल्स के बीच में, स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में, वो रिलीज़ हो जाए और इनकी वेटिंग प्रॉपरली हो जाए, मतलब इनमें जो डिस्पर्जन मीडियम है वो एंटर करे अच्छे से, है ना। फिर क्या होगा इसके बाद, इसके बाद हम एक एक करके सारी मेथड पढ़ेंगे कि क्या क्या करना है हमको इसके आगे। ये जो प्रोसेस है ये हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, हमने यूनिफॉर्म डिस्पर्जन बना लिया। पहले हमने क्या किया, पार्टिकल्स जो हैं इनका साइज़ रिडक्शन किया, ठीक है, फिर उसमें हमने वेटिंग एजेंट डाला और उसमें डिस्पर्जन मीडियम ऐड किया, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया आपका, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन बन गया डिफ्लॉक्युलेटेड पार्टिकल्स का। अब मैंने जो तीन मेथड बताई थी आपको कि आप स्ट्रक्चर व्हीकल डाल सकते हैं, ठीक है, फिर या फिर फ्लॉक्स के फॉर्म में फ्लॉक्युलेटिंग अगर चाहिए आपको एजेंट, आपको फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन चाहिए तो फ्लॉक्युलेटेड जो फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट है वो डालेंगे। और थर्ड जो मेथड थी कि हम क्या करेंगे, दोनों मेथड को मिक्स कर सके फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बनाएंगे हम कह में स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में, तो ये तीसरी मेथड है ना। तो यहाँ तक जो है कॉमन रहेगा, वेटिंग एजेंट ऐड करने तक यूनिफॉर्म डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बनेगा। इसके बाद फिर हम अलग अलग तीन मेथड में जा सकते हैं, जो भी हमारे लिए सूटेबल लगे, है ना। तो इसके बाद वाली प्रोसेस एक एक करके हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम कैसे आपका वेटिंग बढ़ाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो वाटर मिक्सिबल है को सॉल्वेंट डालेंगे, है ना, एंड वेटिंग एजेंट सर्फेक्टेंट डालेंगे, है ना। तो वाटर मिक्सिबल को सॉल्वेंट हैं जो अल्कोहल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और द प्रोसेस ऑफ वेटिंग बाय ग्लिसरीन, है ना, मतलब ग्लिसरीन का यूज़ करके हम वेटिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वही वेटिंग क्यों बढ़ानी है, मैंने बताया आपको, ठीक है, क्योंकि एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो क्या करता है, जो ग्लिसरीन है ना, वो कोट बना लेता है पार्टिकल के चारों तरफ, मतलब उसको कोटिंग कर देता है पार्टिकल को जब हम ग्लिसरीन उस पर ऐड करते हैं, ठीक है। और उनको क्या करता है, वो सेपरेट कर देता है पार्टिकल्स को, जो एग्रीगेट हैं उनको सेपरेट कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ग्लिसरीन है वो वाटर मिक्सिबल होता है, जिसकी वजह से वो इमीडिएटली वेट कर देता है उसको, मतलब पार्टिकल अब गीले हो जाते हैं और वो मिक्सिबल हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये है जो उसका समराइज फॉर्म है, तो ये है पार्टिकल छोटे छोटे, इसमें जो एयर ट्रैप है बीच में, है ना। तो क्या हुआ कि जब हमने इसमें क्या किया, ग्लिसरीन जैसे ही हमने इसमें ऐड किया, ठीक है, तो ग्लिसरीन ने इसको कम्प्लीटली जो क्या है, इस पर कोटिंग कर ली है ना। तो एक कोटिंग होने की वजह से इसकी क्या हो गई है, इसकी वेटेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं सॉलिड, है ना। पार्टिकल सेपरेट होने की वजह से जब आपने वाटर डाला तो ये वाटर में अलग अलग आपके पार्टिकल दिख रहे होंगे, आपको वेटेड हो गए, है ना। तो ये समरी है कि जब वाटर उसमें डाला जाता है तो कैसे वो ग्लिसरीन की वजह से सेपरेट रहते हैं, ठीक है। फिर इसमें आगे हम बढ़ेंगे, सीधा मेथड देखते हैं हम, सबसे पहले जो कि यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, है ना। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड व्हीकल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि पॉलीमर वगैरह होते हैं, जो कि तो मैंने आपको पढ़ाया था कोलोइड्स में कि जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होते हैं, जो व्हीकल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर्ड व्हीकल क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। तो उसमें प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक बिहेवियर दोनों होते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक बिहेवियर क्या होते हैं कि ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, है ना, और क्या होता है कि इनके चेन्स जो रहती हैं वो रैंडमली अरेंज रहती हैं, जब हम इन पर फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स की डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, और इनके बीच में जो वाटर रहता है या मीडियम रहता है वो रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये पतले हो जाते हैं। पहले ये जेल रहते हैं, फिर जैसे आप इसमें फोर्स लगाएंगे ये सॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो यही बिहेवियर होता है इनमें, है ना, जिसका हम यूज़ करते हैं
स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का इसी के प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं कि ये जेल टू सॉल और सॉल टू जेल ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होती है, अपने सस्पेंशन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना। जब हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल डालते हैं सस्पेंशन में, तो क्या होगा कि जब ये स्टोरेज में रखे होंगे तो क्या होगा, ये इनकी जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से पार्टिकल सेटल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो गाढ़ा हो जाएगा स्टोरेज पर, ठीक है। और आप जैसे इनको शेक करेंगे तो इनकी डिक्रीज़ हो जाएगी विस्कोसिटी, है ना, और सस्पेंशन जो है वो सॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड हो जाएगा पूरा, है ना। तो इसकी वजह से आप यूनिफॉर्म डिस्पर्जन आपको वापस मिल जाएगा, है ना। तो इससे पोरेबिलिटी भी रहेगी आपकी और कंसिस्टेंसी भी सही रहेगी उसकी, है ना। तो इस तरीके से हम जो है स्ट्रक्चर व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं हम सस्पेंशन को स्टेबलाइज करने के लिए, है ना। और आप जैसे इनको वापस एक साइड रखेंगे तो ये वापस जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मतलब इसकी सेटलिंग कम रहेगी जेल में क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फिनोमेना का यूज़ करते हैं हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल ऐड करके, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पार्टिकल साइज रिड्यूस किया जो यहाँ पर हमने किया था, है ना। फिर उसके बाद हमने इसकी वेटिंग बढ़ाई, उसके बाद वेटिंग बढ़ाने के बाद हमारा जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि यूनिफॉर्म डिस्पर्जन बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर्ड व्हीकल ऐड कर देंगे तो आपका डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बन जाएगा, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में होगा। मतलब ये आपका जैसे पॉलीमर चेन है, है ना, तो इसके बीच में जो आपके पार्टिकल्स रहेंगे वो एंट्रैप रहेंगे इस तरीके से, है ना। तो ये सेटल नहीं हो पाएंगे और एग्रीगेट भी नहीं होंगे, है ना। तो क्या रहेगा, ये आपका डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड व्हीकल जो है उसमें बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो स्ट्रक्चर व्हीकल हैं वो डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो आपके स्ट्रक्चर व्हीकल हैं, है ना, वो जनरली प्रिपेयर्ड यूजिंग हाइड्रोकोलाइड, मतलब हाँ हाइड्रोकोलाइड का यूज़ करते हैं ना। तो ये हाइड्रेट हो जाते हैं और ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आने पर स्वेल हो जाते हैं ना, ठीक है। तो ये लो विस्को हाई विस्कोसिटी प्रोड्यूस करते हैं लो कंसंट्रेशन पर भी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इनके नाम जो है हाइड्रोकोलाइड कुछ जो है वेंटोनाइट, मिथाइल सेलुलोज, कार्बोपॉल, HPMC, है ना, और मिथाइल सेलुलोज और CMC, सोडियम CMC, इस टाइप के जो हाइड्रोकोलाइड हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका सेकंड है यूज़ ऑफ कंट्रोल्ड फ्लॉक्युलेशन इन केस ऑफ फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन। अभी हमने क्या बनाया है, डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन, है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि हमने डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बनाया है कह में स्ट्रक्चर्ड व्हीकल में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड जो आपकी फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन है वो कैसे बनेगा आपका, ठीक है। तो इसके भी तीन मेथड अलग अलग होती हैं, है ना, तो वो हम एक एक करके पढ़ेंगे अब कि कैसे बनेंगे। तो जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्टिकल्स हैं, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट डाल देते हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट हुए, सर्फेक्टेंट हुए या पॉलीमर हुए। तो क्या होता है, उनके फ्लॉक बन जाते हैं, एग्रीगेट बन जाते हैं पार्टिकल के, जिससे क्या होगा कि ये हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा आपका, है ना, और ईजिली ये रिडिस्पर्स हो जाते हैं। बस ये एडवांटेज होता है आपके फ्लॉक्युलेशन का। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये आपके फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो चार्ज है पार्टिकल्स के ऊपर, है ना, इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर सिमिलर चार्ज होता है मान लीजिए, है ना, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये जो चार्ज होता है इसको कम कर देते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक बैरियर को ये रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है आपका बिस्मिथ, है ना, सब नाइट्रेट इन वाटर, है ना, डिस्पर्जन जब आप बनाएंगे बिस्मिथ सब नाइट्रेट का वाटर में, तो क्या होगा, जो इस बिस्मिथ पार्टिकल हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब ये पार्टिकल है तो इस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा, एक दूसरे को जो पार्टिकल हैं बिस्मिथ के, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, और डीफ्लॉक्युलेटेड फॉर्म में रहेंगे, मतलब सेपरेट रहेंगे एक एक पार्टिकल, है ना। तो क्या होगा कि यही यहाँ पर लिखा हुआ कि पार्टिकल जो हैं वो डीफ्लॉक्युलेटेड फॉर्म में रहते हैं रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से उनके बीच में, है ना। और जैसे ही हम स्मॉल अमाउंट में इसमें मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट डालेंगे KH2PO4, है ना, तो ये क्या होगा कि पार्टिकल्स हैं जो ये आपके बिस्मिथ के, इन पर एड्सॉर्ब हो जाएगा, है ना, नेगेटिव चार्ज है जो फॉस्फेट, है ना, एनायन का फॉस्फेट एनायन जो है ना, जो फॉस्फेट एनायन है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा पॉजिटिव बिस्मिथ पार्टिकल पर, है ना। ये जैसे बिस्मिथ पार्टिकल्स हैं तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो एड्सॉर्ब हो जाएगा, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ये जो दूसरे
बिस्मिथ है, इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो एक दूसरे के पास में लाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आना चालू हो जाएंगे और एग्रीगेट फॉर्म कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि फ्लॉक्स बन जाएंगे आपके पार्टिकल्स के, एग्रीगेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट डालने पर क्या होगा, आपका फ्लॉक्युलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका दूसरा है सर्फेक्टेंट, है ना। तो सर्फेक्टेंट क्या करेंगे, आपको सर्फेक्टेंट आपको पता ही होगा कि ये इंटरफेसियल टेंशन को कम करता है, मतलब जो आपका लिक्विड है और सॉलिड है उनके बीच में जो इंटरफेसियल टेंशन होते हैं उसको कम करता है, और ये वेटिंग एजेंट का भी काम करता है, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि डीफ्लॉक्युलेटिंग एजेंट होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, फ्लॉक्स बनाने हैं, फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट हम एज ए यूज़ कर रहे हैं, फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो कंसनट्रेशन है सर्फेक्टेंट का वो क्रिटिकल होता है, है ना, कि आपको फ्लॉक्युलेशन अचीव करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आयनिक सर्फेक्टेंट है, है ना, जो आयनिक सर्फेक्टेंट होते हैं उनका जो हेड पोर्शन होता है वो सॉलिड पर सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाता है, और जो टेल है ना, वो क्या करता है, वो आउटवर्ड है ना प्रोजेक्टेड रहती है बाहर की तरफ, मतलब ये जो हेड है ऐसा रहता है आपका सर्फेक्टेंट। तो ये हेड जो है ये क्या पर एड्जॉर्ब हो जाएगा, ये सॉलिड पर एड्जॉर्ब हो जाएगा, और ये जो टेल है ये आपकी बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहेगी, है ना। तो ये क्या करेगी, जो टेल है ये ब्रिज का काम करेगी दूसरे पार्टिकल्स के लिए, है ना। तो वो क्या करेगी, दूसरे पार्टिकल को अटैच करने में हेल्प करेगी, है ना। तो इस तरीके से ब्रिज फॉर्मेशन होने की वजह से ये यहाँ पर क्या होगा, एग्रीगेट फॉर्म होने लगेगा, और एग्रीगेट फॉर्म होगा तो ये यहाँ पर फ्लॉक्स प्रो जो आपको फ्लॉक्युलेशन मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये आपके जो सर्फेक्टेंट है वो वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं सोडियम लॉरल सल्फेट का और सोडियम डाइऑक्टाइल सल्फोसक्सीनेट का, है ना। और यहाँ पर आप ट्विन आल्सो एज इम पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड डिस्पर्सन फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन पार्टिकल, है ना। तो ये मतलब नेटवर्क फॉर्मेशन कर लेते हैं, ट्विन हुए ये आपके सोडियम लॉरल सल्फेट हुए, है ना। तो नेटवर्क बनने की वजह से ये फ्लॉक्स गेन कर लेते हैं, फ्लॉक्युलेशन गेन कर लेते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये सॉलिड है, इस पर हेड पोर्शन है जो एड्जॉर्ब हो गया, और ये टेल है जो यहाँ पर एक ब्रिज का काम कर रही है, और फिर ये दूसरा आपका सॉलिड है, है ना, इस पर ये अटैच हो रही है, ये जो टेल है ये यहाँ पर अटैच हो रही है, ठीक है। तो ये एक सर्फेक्टेंट का हेड, एक सर्फेक्टेंट की टेल, इस तरीके से यहाँ पर नेटवर्क फॉर्मेशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड है वो है पॉलीमर्स का यूज़, है ना। तो पॉलीमर्स जो होते हैं ना उनका भी हम, तो पॉलीमर का भी हम यूज़ कर सकते हैं आपके फ्लॉक्स बनाने के लिए, है ना। क्या होता है कि जो पॉलीमर जब हम डालते हैं ना, तो जो पॉलीमर चेन है ना, वो क्या होती है, एड्जॉर्ब हो जाती है पार्टिकल की सरफेस पर, और जो उसकी रिमेनिंग चेन होती है ना वो प्रोजेक्टेड रहती है बाहर की तरफ डिस्पर्जन मीडियम में, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये चेन है ना फ्लॉक्स बनाने में हेल्प करती हैं, जैसे कि आपकी जेंथेन गम हुई, है ना। और तो क्या करती हैं, ये सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को इनक्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिजिंग बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये आप देख सकते हैं, हमने चेन ली है पॉलीमर, और इसको जब हमने पार्टिकल में डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन में डाला, तो इसने क्या हुआ कि पॉलीमर एड्जॉर्ब हो गया सॉलिड की सरफेस पर, और इसने ब्रिज फॉर्मेशन करने से ये फ्लॉक्स बन गए, है ना। तो ये फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन इस पर तरह से आपको पॉलीमर ऐड करने पर मिल जाएगा, है ना। फिर आपकी जो लास्ट है मेथड वो है फ्लॉक्युलेशन इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों मेथड जो हमने ऊपर पढ़ी हैं उनका मिक्सअप करते हैं इसमें, है ना, दोनों को। तो हम क्या, हमको पता है कि जो फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन होते हैं उसमें सुपरनेटेंट बहुत क्लियर हो जाता है, मतलब ये जल्दी से नीचे सेटल हो जाते हैं, है ना। तो ये एक अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होती है फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन की। तो हम क्या करते हैं कि जो जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल हैं और जो फ्लॉक्युलेशन है, इन दोनों के प्रिंसिपल को हम ऐड कर देते हैं, ना। मतलब हम क्या करते हैं कि पहले हम फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट डालेंगे आपके डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन में, तो क्या होगा, उसके एग्रीगेट बन जाएंगे, है ना। और ये एग्रीगेट जब फ्लॉक बन जाएंगे, है ना, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इसमें ऐड करेंगे। तो ये फ्लॉक्स जो हैं, ये जो पार्ट जो आपकी चेन रहेगी, पार्ट जो आपके पॉलीमर्स की चेन रहेगी, इसके अंदर ये फ्लॉक्स जो हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, तो ये इनके सेडिमेंटेशन को रोक देगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इससे आपके जो एग्रीगेट हैं फ्लॉक्स हैं उनकी सेटलिंग रिड्यूस हो जाएगी, है ना। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी कि हम पहले फ्लॉक बनाएंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल ऐड कर देंगे, तो उसके सेडिमेंटेशन को वो रोक देगा, है ना। तो जो हम यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सस्पेंडिंग एजेंट, है ना, जो आपके जो कोलॉइड्स होते हैं, बेंटोनाइट, मिथाइल सेलुलोज, कार्बोपॉल, है ना, तो ये हम यूज़ करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो सेडिमेंटेशन है वो रेट कम हो जाती है,
तो यहाँ तक आपको सारे तीनों मेथड मुझे लगता है समझ आ ही गई होंगी क्लियरली। और कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। और वेरी वेरी थैंक यू।